गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर टू है हमारे पास बेटा होल नंबर्स। फिफ्थ तक हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं बेटा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स सच एज 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and so on आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मीन्स की जो काउंटिंग नंबर है ना बेटा, उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है। उसके बाद होल नंबर्स क्या है? ऑल द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो सच एज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on आर कॉल्ड होल नंबर्स। मीन्स की जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं ना बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको नेचुरल नंबर फिफ्थ तक आप पढ़ चुके हो। होल नंबर्स है ये हमारे पास चैप्टर। होल नंबर क्या है? यदि नेचुरल नंबर में जीरो को और ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स हैं। इसमें देखो बेटा, वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। वन जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स में बेटा वन से कोई भी छोटा नंबर नहीं है। देर आर अनलिमिटेड नेचुरल नंबर्स, देर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अनलिमिटेड नेचुरल नंबर है हमारे पास और सबसे बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो हमारे पास सबसे छोटा होल नंबर है। देर आर अनलिमिटेड होल नंबर्स, देर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। अनलिमिटेड होल नंबर्स है बेटा और सबसे बड़ा भी कोई होल नंबर नहीं है। All the natural numbers are whole numbers, but all the whole numbers are not natural numbers. इसमें क्या बताया गया आपको कि सभी natural number जो है ना वो तो whole number है, लेकिन सभी whole numbers क्या नहीं है? Natural नहीं है, क्योंकि zero एक ऐसा whole number है जो natural नहीं है। किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर निकालना, सक्सेसर निकालना, ये तो बेटा आपको सभी को आता ही होगा। क्योंकि सक्सेसर क्या होता है? यदि उस नंबर में वन को एड कर देते हैं, नेक्स्ट उससे आगे वाला नंबर। और प्रेडिसेसर क्या होता है? उससे जस्ट पहले वाला नंबर, ठीक है। उसके बाद आप एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, से ट्रू और फॉल्स, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। जीरो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। तो इसमें क्या आएगा बेटा? फॉल्स आएगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? वन है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? वन से स्टार्ट होते हैं। All the whole numbers are natural numbers. सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है। इसमें भी फॉल्स आएगा, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नहीं है। उसके बाद 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599. 600 जो है वो 599 का सक्सेसर है। ये बेटा ट्रू है, ठीक है। वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये फॉल्स है, क्योंकि जीरो जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वन है और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है बेटा? जीरो है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रेडिसेसर। नेचुरल नंबर्स में वन का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, ये ट्रू है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास? वन है। वन से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं हमारे पास, तो उसका प्रेडिसेसर नहीं होगा, ठीक है। यदि वन का प्रेडिसेसर पूछा जाता है तब आप जीरो लिख सकते हो, लेकिन जब आपको नेचुरल नंबर बोल दिया ना, तब उसका उसमें नेचुरल नंबर्स में प्रेडिसेसर नहीं है। द होल नंबर वन हैज नो प्रेडिसेसर, ये फॉल्स है। होल नंबर्स में तो बेटा वन का प्रेडिसेसर है, क्योंकि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जीरो है। और वन का प्रेडिसेसर क्या होगा? जीरो होगा। वन में से वन को सेपरेट करोगे तो जीरो आएगा ना, और जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,000। 10,000 से पहले तीन नंबर जो आते हैं वो आपको लिखने हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। इसमें पहले वन को सब्ट्रैक्ट करो, जो नंबर आया उसमें आपने फिर वन को सब्ट्रैक्ट किया, जो आया उसको फिर वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो 9,999, 9,998 और 9,997, ठीक है। ये थ्री होल नंबर्स हैं जो 10,000 से पहले आते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद इसका बी पार्ट है, राइट द थ्री होल नंबर जस्ट प्रीडिसेसिंग 99,001। ये भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है बेटा। जो इसमें से वन को सब्ट्रैक्ट करोगे 99,000 आएगा, फिर वन सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 98,999 आएगा, और फिर 98,998 आ जाएगा। तो 99,001 से पहले तीन नंबर कौन कौन से आएंगे बेटा? 99,000, 98,999 और 98,998 आएंगे। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 51 एंड 61।
51 और 61 के बीच में कितने होल नंबर्स आएंगे आपको ये बताना है। तो बेटा आप इनके बीच के पहले होल नंबर्स लिख लो, ठीक है। इसमें 51 और 61 इंक्लूड नहीं है, इनको आपको काउंट नहीं करना है। होल नंबर्स बिटवीन 51 एंड 61 आर कितने हैं, 52, 53, 54, 55, ठीक है, लिख दोगे। तो आप इनको काउंट करके देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने होल नंबर्स हो गए बेटा, 9 हो गए। वैसे जब भी आपसे ये, तो हमारे पास कम नंबर थे, हमने डायरेक्ट लिख दिए, लिख के काउंट करके लिख दिए। वैसे यदि आपसे पूछा जाता है कि इनके बीच में कितने होल नंबर होंगे, तो बेटा उन नंबर्स को आप माइनस कर लो और फिर उनमें से वन और सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो 60, क्योंकि इनमें से ये दोनों शामिल नहीं है, 61 में से आपने 51 को सब्ट्रैक्ट किया, 10 बचा आपके पास, लेकिन इनके बीच में होल नंबर 9 है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 21 और 43 के बीच कितने होल नंबर हैं, तो 43 में से बेटा 21 को आप माइनस करो, कितना बचा आपके पास, यहाँ 2 बच गया और यहाँ भी 2, 22 हो गया ना। लेकिन इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे बेटा, 21 आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसको माइनस कर दो आप और उनमें से वन और कम कर दो, उतने ही उनके बीच में होल नंबर्स होंगे। राइट द सक्सेसर ऑफ, आपको इनका सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर बिल्कुल सिंपल है, जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप वन ऐड कर दो, उसका सक्सेसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको ऐसे लिख के करना है, कभी भी ये नंबर लिख के उसके इक्वल इसके सक्सेसर नहीं लिखोगे, इक्वल टू का साइन वही आता है जब नंबर्स इक्वल है तो, ठीक है। सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज क्या हो जाएगा, इसमें आप वन को ऐड करोगे, जो है वो लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रेडिसेसर में भी आप यही करोगे, जो नंबर आपको गिवन है उसमें से आप वन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम। आपको क्या करना है, इन नंबर्स में ये बताना है कि नंबर लाइन पे कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा और कौन सा नंबर राइट में आएगा, उसके अलावा इनके बीच में आपको लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ठीक है। तो देखिए 786 और 687, जो स्मॉलर नंबर है ना बेटा नंबर लाइन पे, वो लेफ्ट में आएगा और बड़ा नंबर है वो नंबर लाइन पे राइट में आएगा, ठीक है। तो इसमें स्मॉलर क्या है, 687 है, 687 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 786, 786 के लेफ्ट में आएगा, ठीक है। बड़े वाला नंबर राइट में रहेगा और छोटे वाला नंबर लेफ्ट में रहेगा नंबर लाइन पे, ठीक है। और लेस देन और इसमें 809 और 890, 809 छोटा है तो 809 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 890, राइट, बड़े वाले नंबर के लेफ्ट में रहेगा छोटे वाला नंबर, ठीक है। इसमें भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आप लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर। लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर है उसका तो आपको सक्सेसर निकालना है, एंड द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट का क्या निकालना है, प्रेडिसेसर निकालना है, और उन दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए कैसे करोगे, लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर क्या है, नाइन को आप सिक्स टाइम लिख दोगे, इसका सक्सेसर क्या आएगा, इसमें आप वन को ऐड कर दोगे। स्मॉलेस्ट सेवन डिजिट नंबर क्या है, वन के साथ सिक्स जीरो लग जाएंगी, इसका प्रेडिसेसर क्या होगा बेटा, इसमें से आप वन को सब्ट्रैक्ट करोगे, और फिर क्या है, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, वन आ गया, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आप फिफ्थ में कर चुके हो, आप इनको सोल्व करके देखोगे। थैंक यू।